बैक टू माई चैनल विच इज शालिनी मिश्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि रक्षाबंधन आने वाले हैं, बैक टू बैक बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो नई नई वीडियोस आती रहेंगी। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ 3 डिफरेंट लुक क्रिएट करूँगी मैं रक्षाबंधन के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ईजी, बहुत क्विक सा होगा। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा अपने रक्षाबंधन लुक के लिए। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो करते हैं शुरू। एंड उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। पहले मैं बता दूं मेकअप ज्वेलरी के बारे में, मेकअप ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल के बारे में। तो मैंने हेयर स्टाइल के लिए बस सिंपल बालों को ट्विस्ट किया है बीच से थोड़ा सा मांग निकाल के, एंड उसको पिन से उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद से मेकअप में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाए हैं, लिपस्टिक, काजल एंड आई शेडो मैंने लगाए हैं थोड़ा सा स्मोकी आईज देने के लिए। एंड इसको इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए मैंने पहने ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, इसमें ये मैंने पहना है ऑक्सीडाइज झुमका एंड ये है बैंगल। तो मेकअप, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी सिर्फ इतनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो अगर हम बात करें अपने इस फर्स्ट लुक की, तो इसमें मैंने पहना है वाइट कलर का कॉटन का कुर्ता जो मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। इसको मैंने पेयर किया है डेनिम की पैंट के साथ जो मैंने अमेजोन से लिया था, एंड मैरून कलर की फ्लैट पहनी है जो मैंने मिंत्रा से लिया था। आपको ये जिसका भी लिंक होगा जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। और ये है मेरा पहला लुक। बात करें अपने इस सेकंड लुक की, तो जो है टोटल एथनिक लुक। अगर आप न्यूली मैरिड हो एंड आपकी शादी के बाद ये जस्ट पहला रक्षाबंधन है, तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर इसमें हम हेयर स्टाइल की बात करें, तो हेयर स्टाइल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस साइड पार्टीशन कर के, बाल मेरे ऑलरेडी कर्ल हैं एंड मैंने बालों को साइड पार्टीशन कर लिया है। आंखों पे मैंने लगाया है ये पिंक कलर का आई शेडो आईलाइनर, अपने आईब्रोज को थोड़े से फिल किए हैं, सिंपल कॉम्पैक्ट लगाए, लिपस्टिक लगाई है एंड इस तरह की इयररिंग पहनी है। एंड मेरा आउटफिट येलो है, तो उसके साथ मैंने येलो बिंदी लगाई है। और मैंने यहाँ पे पेयर किया है अपना मंगलसूत्र, उसके साथ मैंने पहने हैं ये कड़े जो कि लाख के कड़े हैं। लाख के कड़े वैसे भी कहते हैं सुहागिनों की निशानी होती है, तो ये पहना है मैंने लाख का कड़ा। एंड इस लुक के साथ मैं अपना दिखाती हूँ आपको अपना आउटफिट। तो बात करें इसे सेकंड लुक की, तो इसमें मैंने पहना है ये अनारकली येलो कलर का कुर्ता, इसके साथ मैंने पेयर किया है जूती एंड इसके साथ मेकअप, हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी का मैंने आपको लुक दे दिया है। तो ये अगर आपकी नई शादी हुई है और शादी के बाद आपका ये पहला रक्षाबंधन है, तो आप इस तरीके का एक लुक क्रिएट कर सकते हो जो साड़ी से भी थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत ही कम्फर्टेबल होगा। बात करें अपने थर्ड लुक की, तो थर्ड लुक भी बहुत ही सिंपल है। मैंने सिंपल सा हल्का सा बालों को मैसी रखा है एंड बालों को थोड़ा सा पफ बना के क्लिप्स लगा के मैंने सिंपल पोनीटेल बना दिए हैं। एंड मैं आपको पहले बताई हूँ कि मेरे बाल थोड़े नेचुरली कर्ल हैं। एंड मेकअप की बात करें, तो मैंने अपने आईब्रोज फिल किए, आँखों में हल्का सा आई शेडो लाइट पिंक कलर का एंड मैंने लगाया है आईलाइनर, थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट। एंड इसके साथ मैंने अगर ज्वेलरी की बात करें, तो पहनी है ये टॉप्स इस तरीके की, मंगलसूत्र मैंने जो इसके पहले पहना था वही रहने दिया है। एंड इसके साथ मैंने लगाई है ये बिंदी और ज्वेलरी। और अगर बैंगल्स की बात करें, तो बैंगल्स मैंने इसके साथ कुछ भी पेयर नहीं किए हैं, बस सिंपली अपनी वॉच लगाई है। एंड ये भी आपका एक तरीके से इंडो वेस्टर्न लुक है रेडी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका अपना फाइनल लुक।
तो बात करें हम अपने थर्ड लुक की, तो इसमें मैंने पहना है डैमेज जीन्स जो लेवाइस की है, ऑफलाइन है, एंड ये मैंने पहना है ट्यूनिक कुर्ता जो कि मैंने बिग बाज़ार से लिया था बहुत पहले। एंड मेकअप लुक, मेकअप का लुक, हेयर स्टाइल का लुक और ज्वेलरी का लुक मैंने आपको दे दिया है। और इस तरीके का भी आप लुक क्रिएट कर सकते हो रक्षाबंधन के लिए, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल होगा, कम्फर्टेबल होने के साथ साथ बहुत स्टाइलिश भी होगा। और आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, कैसे भी आपको लुक ही क्रिएट कर सकते हो। तो ये मेरे 3 डिफरेंट लुक आपको रक्षाबंधन के लिए कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कोशिश करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कभी कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड ये बहुत ही सिंपल सा, क्विक सा मैंने लुक लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए एंड इन एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन।